दोस्तों, अगर आप इसरो का वैकेंसी का वेट कर रहे थे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है इसरो की तरफ से। तो आज जो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि इसरो में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जहां पे 10th के आईटीआई के डिप्लोमा के ग्रेजुएशन के कैंडिडेट, बी बीटेक और बीएससी के कैंडिडेट, फ्रेशर्स वाले कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं दोस्तों। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग, जैसे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कितना एप्लीकेशन फ़ी और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी इस वैकेंसी से रिगार्डिंग, मैं आपको इस वीडियो के में बताऊंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहें। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खबर हरदम लाते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसमें जो वैकेंसी है इसरो की, वो कौन से डिपार्टमेंट में आई हुई है। तो ये जो है इसरो सैटेलाइट सेंटर, जो अब जिसका नाम चेंज करके यू आर रॉय सैटेलाइट सेंटर कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वैकेंसी निकल रखी है। तो सबसे पहले हम एडवर्टीज़मेंट नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है आपको सामने दिख रहा है, URSC 01/2020 की सबसे बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है आपका टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, लाइब्रेरी असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट, केयर टेकिंग अटेंडेंट, कुक, फायरमैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए और लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसीज आ रखी हैं दोस्तों। बारी बारी करके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जॉब लोकेशन की। तो दोस्तों, इसका जॉब लोकेशन होगा आपका जो है कर्नाटक बेंगलोर में जो है इसका जॉब लोकेशन होगा। देन यहाँ पे बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट है उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों टेक्नीशियन बी के लिए, तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है टेक्नीशियन बी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक के, टेक्निकल पावर, मैकेनिक, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक की जो है 50 सीट्स है, जहाँ पे जनरल्स की 22 सीट रखी गई है, ओबीसी की 12, एससी की 8 और एसटी की जो है 3 सीट है। तो यहाँ पे जो है आईटीआई कैंडिडेट जो है एलिजिबल है दोस्तों। देन दोस्तों, फिटर की बात की जाए तो 17 सीट जो है यहाँ पे फिटर की है टोटल। और यहाँ पे जो है इनका एग्जामिनेशन पैटर्न है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आप हमारे वीडियो को कंसल्ट कर सकते हैं, चैनल में ऑलरेडी किस प्रकार का स्किल टेस्ट लिया जाता है हमारे चैनल में वीडियो जो है अपलोड है। देन इलेक्ट्रिकल की बात की जाए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की 11 सीट है यहाँ पे, आईटीआई इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है। अभी हम टेक्नीशियन बी की बात करें, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो हम बारी बारी सबके बारे में बात करेंगे। देन यहाँ पर बात की जाए प्लम्बर की, तो 5 पोस्ट जो है प्लम्बर है, आईटीआई प्लम्बर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग RAC में जो है 8 सीट है यहाँ पे, टनर की जो है 3 सीट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 3 सीट यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। अब बात करते हैं मोटर व्हीकल के लिए और फोटोग्राफी के लिए और मशीनिस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक वैकेंसी है इसके लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एक वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे। इसी तरह बात की जाए दोस्तों बिल्डर के लिए, तो बिल्डर के लिए जो है एक वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों ड्राफ्ट्समैन बी के लिए। तो ड्राफ्ट्समैन बी के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 सीट है मैकेनिकल के लिए, जहाँ पर आपको ड्राफ्ट्समैन में ITI रिक्वायरमेंट है। टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए दोस्तों, तो मैकेनिकल की जो है 13 सीट यहाँ पर रखी गई है। इसी तरह बात की जाए दोस्तों अगली ब्रांच, तो अगली ब्रांच जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसमें डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। देखिए डिप्लोमा जो है आपका इसमें पहले मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस में CS के कैंडिडेट, डिप्लोमा इन CS के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन यहाँ पर बात की जाए इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है दोस्तों 2 सीट है जिसमें डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में 2 सीट रखी गई है। सिविल में जो है 1 सीट है, सिविल रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा में या फिर आप कोई सभी कैंडिडेट हैं उनके लिए 60% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। देन लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 4 सीट यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जो है आपका ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट जो है कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है अगर आपके पास फर्स्ट मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस है तो आप जो है यहाँ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए। तो साइंटिफिक असिस्टेंट में जो है BSc के कैंडिडेट एलिजिबल है यहाँ पे। BSc इन केमिस्ट्री की 2 सीट है, फिजिक्स की जो है 3 सीट है, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया की जो है 1 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए जो है 1 सीट है दोस्तों यहाँ पे। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जो है आपका ग्रेजुएट इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। और यहाँ पर जो है आपको कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इन हिंदी एज वेल एज सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन। तो आपको जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा होना चाहिए, मतलब जो आपका 10th है उसमें हिंदी रिक्वायरमेंट है। टाइपिंग जो है 25 वर्ड पर मिनट रिक्वायरमेंट है। कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको यहाँ पे होना चाहिए। अब बात करते हैं केयर टेकिंग अटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है 5 सीट है इनके लिए, इसमें जो है 10th पास रखा गया है मिनिमम।
देन कुक के लिए जो है आपको यहाँ पे 10th पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कुक के लिए। और फायरमैन की बात की जाए दोस्तों, तो फायरमैन के लिए जो है यहाँ पे 4 सीट है, तो यहाँ पे जो है 10th क्लास पास होना चाहिए और फिजिकल इंटरनल टेस्ट स्टैंडर्ड जो है आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, तो यहाँ पे 10वीं पास रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपको आना भी चाहिए चलाना। तो ये जो है वैकेंसीज थी। अब हम बात करते हैं इसका रिटन टेस्ट और इन सब के लिए जो है क्या पैटर्न रहेगा। पैटर्न से पहले थोड़ा सैलरी देख लेते हैं, क्या सैलरी रखी गई यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे 44,900 जो सैलरी जो है आपको मिलेगी, बाकी फैसिलिटीज़ अलग है। हिंदी टाइपिस्ट टेक्नीशियन भी ड्राफ्टमैन कुक और फायरमैन के लिए जो है यहाँ पे जो है 25,500 जो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए, टेक्नीशियन बी के लिए जो है 21,700 लेवल 3 की सैलरी है और 18 से 35 साल के कैंडिडेट जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फायरमैन और कुक के लिए जो है फायरमैन के लिए 25 साल और 35 साल जो है कुक के लिए, और जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए जो है 35 साल रखी गई है। यहाँ पे 19,900 सैलरी जो है यहाँ पे रखी गई है। कैटरिंग अटेंडेंट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 8,000 पर मंथ इनके लिए रखा गया है। 18 से 26 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो फॉर्म की लास्ट डेट जो है आपका 6 मार्च है। 6 मार्च से पहले जो है आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे जो है लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन की फ़ी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 250 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए। बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप ऑनलाइन फ़िलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म भी जो है आपको ऑनलाइन फ़िलअप करना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, आप जो है वहाँ से फॉर्म को फ़िलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेगा दोस्तों। तो देखिए इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका सिर्फ बेंगलुरु यानी कि जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे जो है आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा और वहीं पे जो है आपका स्किल टेस्ट भी होगा। तो स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग आपको हमारे चैनल में पहले से ही वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई वीडियो नहीं है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसके लिए रिगार्डिंग काम करेंगे, हम जो है आप लोगों के लिए वीडियो जो है बनाएंगे। सब पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है जैसा कि मैंने बताया, और सबके लिए जो है यहाँ पे मैंने बता रखा है कि एग्जामिनेशन पैटर्न जो है सबके लिए अलग अलग रखा गया है। तो जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आपका कोर्स से ही जो है यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो फर्दर मैं इसके लिए एक डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपका 6 मार्च रखा गया है। 6 मार्च से पहले जो है फॉर्म को फिलअप करना है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर उस सब वीडियोज़ को देखिए। और दोस्तों जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में अपने दोस्तों में जो है इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।